हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। पुराने वीडियोस पेंडिंग हैं तो उन्हें जरूर कवर अप करो और सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो से एक एक सॉल्यूशन को कॉपी मत करो, खुद से ट्राई करो। नहीं आए तो सॉल्यूशन को समझो, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करो। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट रफ कॉपी पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक। क्वेश्चन 13 फिर से हाइलाइट्स मार्क करेंगे। देखो, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एन एपी, एंगल्स हैं किसके? क्वाड्रिलेटरल के। और वो क्या बना रहे हैं? एपी बना रहे हैं। चार एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि एपी में चार टर्म्स है। ठीक है, चार टर्म्स को क्या अज्यूम करते हैं, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, जो मैं आपको अभी दोबारा बताऊंगा। ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे वाले का डबल है। ठीक है, फाइंड कर दो सारे एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, यहां तक तो हम ये अज्यूम करेंगे, लेट द फोर एंगल्स, लेट द फोर एंगल्स बी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ये हमने चार एंगल्स अज्यूम करे जो कि एपी बना रहे हैं। ठीक है, अब बेसिक लॉजिक क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल नाम पढ़ते ही मुझे क्या अप्लाई कर देना चाहिए, ऑल फोर एंगल्स का जो टोटल है उसको मुझे कर देना चाहिए 360 डिग्री। जैसे ही मैंने वर्ड पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, तो मुझे चार एंगल्स का टोटल 360 कर देना चाहिए। प्लस का 3D, माइनस का 3D कट गया, प्लस का D, माइनस का D कट गया। 4A इज इक्वल टू 360, इससे मेरी A की वैल्यू आ जाएगी 90। ये मेरी A की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट फेज क्या है? ग्रेटेस्ट एंगल डबल है स्मॉलेस्ट का, तो ये वाला ग्रेटेस्ट है, ये वाला स्मॉलेस्ट है। ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो ये हुआ A प्लस 3D इज इक्वल टू 2A माइनस 6D। इसको इधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया 6D प्लस 3D इज इक्वल टू 2A माइनस A, दैट इज ये हो गया 9D इज इक्वल टू, यहां आएगा A और A की वैल्यू है 90। तो इस हिसाब से मेरी D की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिग्री। ये मेरी D की वैल्यू है। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल एंगल्स, तो मुझे चारों एंगल्स फाइंड करने हैं, है ना। तो चार एंगल्स के अजम्पशंस क्या क्या किए गए हैं? A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। क्लियर यहां तक? ये मेरे चार एंगल्स के अजम्पशंस करे गए हैं। तो A और D पुट करो, यहां पे A और D पुट करो, 90 माइनस 3 इंटू 10 30, 60 हो गया। 90 माइनस 10 ये हो गया 80, 90 प्लस 10 ये हो गया 100 और 90 प्लस 30 ये हो गया 120। चेक करो, ये एक तो एपी बना रहे, सबसे बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले का डबल है, और चारों का जो टोटल है वो 360 है। सारी चीजें यहां पे वेरीफाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 7th टू द 3rd टर्म इज 12:5। 7th टर्म और 3rd टर्म का जो रेशो है वो है 12:5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहे हैं 13th टर्म और 4th टर्म का क्या रेशो होगा, ये बताओ। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7th टर्म होता है a प्लस 6d, 3rd टर्म होता है a प्लस 2d, 12/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 5a प्लस 30d इज इक्वल टू 12a प्लस 24d। ये इधर जाके माइनस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया। 30d माइनस 24d इज इक्वल टू 12a माइनस 5a, ये हो गया 6d इज इक्वल टू 7a। ठीक है, यहां तक 6d किसके बराबर है? 7a के बराबर है। ठीक है भाई, तो अब ये 6d 7a के बराबर है, इससे मैं क्या करूंगा? इससे मैं नेक्स्ट रेशो सोचूंगा कि कैसे निकालना चाहिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट रेशो पे, 13th टर्म अपॉन 4th टर्म, a प्लस 12d, a प्लस 3d। अब यहां पे यार देखो, ये जो 12d है
इस 12d को मैं ऐसे लिख देता हूं 2 into 6d, और ये जो 3d है इसको मैं लिख देता हूं 1/2 into 6d। लिख सकते हैं ना, ये दोनों ऊपर नीचे मैंने 6d क्रिएट कर लिया। 6d की वैल्यू क्या है, 7a लगा दो यहां पे, तो ये हो गया a प्लस 2 into 7a, और ये हो गया a प्लस 1/2 into 7a, यही हुआ। ये हो गया 7 2 14a प्लस a विच इज 15a। अब यहां लेते हैं LCM, 2a प्लस 7a होल अपॉन 2, ये होल अपॉन 2, ये 2 ऊपर चले गया, तो ये हो गया 15a मल्टीप्लाई बाय 2, 15a मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे आ गया 2a प्लस 7a विच इज 9a। a से a कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10 अपॉन में 3, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 10:3। ठीक है, पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, जिसकी मुझे फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 100। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। मुझे दो हिंट दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म दे रखी है 100, ठीक है, शुरू की 6 टर्म्स का टोटल आगे की 6 टर्म्स के टोटल का 5 गुना है। फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, शुरू की 6 टर्म्स लिखते हैं, a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। ये मेरी शुरू की 6 टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया, कर दिया भाई शुरू की 6 टर्म्स को ऐड। ये जो सम है ये आगे की 6 टर्म्स का 5 गुना है, तो आगे की 6 टर्म्स क्या होगी, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, तीन हो गई, तीन और लिखते हैं, a प्लस 9d, a प्लस 10d और लास्ट हो गई a प्लस 11d। शुरू की 5 टर्म्स का टोटल आगे की 5 टर्म्स के टोटल का 5 गुना है, सॉरी 6 टर्म्स, 6 और 6 है ना। अब ये हो गया मेरा a प्लस है 6 टाइम्स, 6a, d 2d, 3d, 6d, 10d, 15d इज इक्वल टू 5 टाइम्स a प्लस ए कितनी बार आ रहा है, 6 बार, 6a, ठीक है, 6 प्लस 7 हो गया 13, 13 प्लस 8 हो जाएगा मेरा 21, 21 प्लस 9 हो जाएगा 30, प्लस 10 हो जाएगा 40, प्लस 11 ये हो जाएगा 51d, ठीक है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 30a प्लस 2 55d, ठीक है यहां तक। अब इसको उधर ट्रांसफर करो, क्लियर, और इसको इधर ट्रांसफर करो, तो ये हो गया 6a माइनस 30a इज इक्वल टू 255d माइनस का 15d, ये हो गया माइनस का 24a और ये हो गया 240d। अब हम हमारे a की वैल्यू लिखेंगे और 240 को नीचे डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है, तो d की वैल्यू हो गई माइनस का 24 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 100, फर्स्ट टर्म 100 है और 240 चले जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू हो गई माइनस का 10, क्लियर, d की वैल्यू क्या है, माइनस 10, कॉमन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर इन एपी। पॉलीगन का मतलब होता है तीन या तीन से ज्यादा साइड्स का फिगर, ठीक है, एन साइड, 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती है, तो जो इंटीरियर एंगल्स है पॉलीगन के वो एपी बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है 120 डिग्री, सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री और कॉमन डिफरेंस है 5। सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री और कॉमन डिफरेंस क्या है, 5, ठीक है, तो हमको बोला है यार नंबर ऑफ साइड्स निकालो, क्लियर, तो एक काम करते हैं, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी एन, देयरफॉर नंबर ऑफ एंगल्स, ये भी कितने हुए, वो भी एन हुए,
जैसे ट्राइंगल तीन साइड तीन एंगल, क्वाड्रिलेटरल चार साइड चार एंगल, सिमिलरली एन साइड्स तो एन एंगल्स। तो अब यहां पे सम ऑफ एन एंगल्स, ये जो सम निकालने का तरीका है, यहां पे मैं दो लॉजिक लगाऊंगा। पहला लॉजिक ज्योमेट्रिक फॉर्मूला और दूसरा एपी का फॉर्मूला। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सम ऑफ एन एंगल्स का फॉर्मूला होता है ये एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180। अब मैं लिखूंगा सिंस द एंगल्स आर इन एपी, ये एंगल्स क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, देयरफॉर जो सम होगा विच इज एस एन, उसको मैं एपी के फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? अब जो सम है वो मुझे ऑलरेडी पता है कितना, इसके इक्वल है। भाई यार आप एक ही पॉलीगन के एंगल्स को ऐड कर रहे हो, अब आप ऐड चाहे ज्योमेट्री के फॉर्मूले से करो या आप ऐड एपी के फॉर्मूले से करो, कर तो आप एंगल्स को ऐड रहे हो, तो जो टोटल यहां आएगा वही टोटल नीचे आएगा। सिर्फ फॉर्मूला बदला है, जो टोटल आंसर है वो नहीं बदलेगा। क्लियर? चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ठीक है, टू ए स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, तो मैं ए की जगह 120 लिख दूंगा और कॉमन डिफरेंस की जगह मैं क्या लिख दूंगा 5। ठीक है यहां तक? अब हम इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 360, 360 को अंदर ले जाओ, 360 एन माइनस 720, ये 180 इंटू टू 360, 360 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे सबको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, तो ये आएगा एन 240 प्लस का 5n और माइनस का 5, ठीक है, तो ये हो गया 360n माइनस का 720 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर, ठीक है, 240 में से 5 गया तो 235, उसको कर दो n से मल्टीप्लाई। अब हम इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 5n स्क्वायर प्लस का 235n, इनको तो कॉपी कर लिया, इनको उधर भेज दिया, तो इनके जो साइन है वो बदल जाएंगे, ये साइन बदल गए, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इनको माइनस कर देंगे, तो 230 माइनस करते हैं तो आता है कितना 130, लेकिन 5 और है तो ये आएगा 125, माइनस का 125 प्लस का 720 इक्वल टू 0। अब हम यहां सबको डिवाइड कर देते हैं 5 से, इजी बन जाएगी क्वाड्रेटिक, ये हो गया 25 और ये हो गया 5 1 5, ठीक है, 2 कैरी गया, 5 4 20 5 4 20। क्लियर है यहां तक? 144 के फैक्टर्स करने हैं, तो यहां देखो फैक्टर्स आएंगे 16 और n। क्लियर? अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो यार बहुत बेसिक है, तो आप खुद से भी कर सकते हो, ये मेरे दो फैक्टर बन गए, एक n माइनस 16 एक n माइनस 9 इक्वल टू में 0, यानी कि इसको सॉल्व करके मेरी n की दो वैल्यूज निकलेगी, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 9। अब यार ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है, पॉलीगन या तो 16 साइड्स का होगा या 9 साइड्स का होगा, डबल साइड का पॉलीगन थोड़ी होता है, ट्राइंगल में फिक्स होता है कि तीन ही साइड है, कभी ऐसा थोड़ी होगा कि कोई ट्राइंगल 5 साइड का बन गया, पॉसिबल ही नहीं है, तो या तो 16 आंसर करेक्ट है या 9 है, तो हम एक को करेंगे रिजेक्ट। तो एक काम करते हैं, बड़े वाले एंगल को सोचते हैं, इफ एन इज इक्वल टू 16 देन जो लार्जेस्ट एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल वो होगा 16th एंगल, यानी कि 16th टर्म, तो एपी की 16th टर्म होती है ए प्लस 15 डी, ए मेरा है 120 और डी मेरा है 5, तो ये हो गया 120 प्लस 75, ये आ गया 195 विच इज ग्रेटर देन 180। कभी भी कोई भी इंटीरियर एंगल 180 के इक्वल नहीं हो सकता और 180 से बड़ा नहीं हो सकता, सिंस इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन 180, देयरफॉर 195 ये बिल्कुल गलत वैल्यू है, यानी कि 16 साइड्स का पॉलीगन नहीं हो सकता,
सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स है मेरी 9। पॉलीगन कितने साइड्स का बना है, सिर्फ और सिर्फ 9 साइड्स का। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट से इसको पॉज करेंगे, खुद से ढंग से रीड करेंगे और ट्राई करेंगे। ये एक नया फॉर्मूला है जो हमने यहाँ सीखा है, सम ऑफ एन एंगल्स के ज्योमेट्रिक फॉर्मूले को, ठीक है। और ये एपी का फॉर्मूला है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ये सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक गलत बन गई तो स्प्लिटिंग भी गलत होगी या फिर हो ही नहीं पाएगी, और दो आंसर्स भी गलत निकलेंगे। ये दो आंसर्स कंफ्यूज कर देंगे, तो अब हम जाएंगे बड़े वाले को पहले रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये रिजेक्ट करने की वर्किंग भी याद रखनी है, क्लियर आ गया समझ में। तो पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। चार और क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है आप इसको दोबारा देखो, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।